नमस्ते ना इंद चैप्टर वह मियान नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन उड़े पांच वाक्यों में लिखिए और टिप्पणी पत मुंदय चैप्टर वह ना वो एक्सप्लेन पड़े इतना प्रवेशिया बुककूर नवीन गद्य चयनिका वन अलकूर पाटका सारांश लिखिए अच्छी एक्सप्लेन पड़े वर् वीडियो को कृष्णा सोबति हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पेर वो कृष्णा सोबति हिंदी प्रसिद्ध पुगलपेट्टर उनके कई उपन्यास पल उपन्यास अब नावल कहानी अब कद और संस्मरण अंत नीव प्रकाशि वेपार मियान नसीरुद्दीन उनका मशहूर शब्द चित्रहै वर्णने भिन्न भिन्न सेक्त्रों के पलतरपट्ट तुरेगलुडैय लोगोंसे मक्कलिडम इरुंदु उनका अच्छा परिचयता अवरुक्कु नल्ल अरिमुगम इरुंदु जैसा पोल ये की राजनीति राजनीतिज्ञवा साहित्यकार इलाक्यवाद और कलाकार आदि कलेजर आगोर एक बार और नान रोटियलकूर नान बना रोटी तैयार वूड मियान नसीरुद्दीन से मियान लेखिका की मुलाकात संदिप्पु होती नसीरुद्दीन एक मामूली और साधारण अंदेरीसी दुकान में कड़ेल चारपाई पर बैठकर पायल अमर्ंदु होंडु बीड़ी का मजा ले रहे थे अंद बीड़ी वंदु कुडिपदल वंदु और संदोसते एड़ुत्तु कोंडु इरुंदार लेखिका को लेखिका एर ग्राहक समझकर कस्टमर एनिको मियांगे नजर उटाई पारवये उयर्तिनार फर्माये सोलुंगल लेखिकाने कहा एर सोनार पेन एलुत्तालर्गलुक्कु लेखिकान सोल्वोम पूछना यहुता विसारिप्पदु अल्लदु केल्वी केप्पदु इदुदान की किस्म किस्म की रोटी वगै वगैयान रोटिकल पकानेका तयारिप्पदर्कान इल्म्ना तिरन कल्वी और पाडं आपने कहांसे नींगल एंगिरुंदु हासिल किया अडैंदीर्गल मियां बोले मियां सोन्नार हाँ आमाम इल्मकी बात पूछिए तो इंद एजुकेशन पत्री विसारित्ताल कुछ भी सीखा कुछ भी ना यदियुं कट्रेन अपने बालिद उस्ताद से ही अदा एन्नुडैय तंदै वंदु उर आसिरियरे पोल आसिरियरागतान इरुंदार एदुक्कु इवरुक्कु वंदु इंद मारी उर तोलिल कत्तु कोडुक्किरदल अगर हम बाहर निकलेंगे तो नांगल वेलिये सेंट्राल कोई पैसा अगर हम बाहर निकलेंगे तो आनाल नांगल बाहर निकलेंगे तो अबडीना वेलिये सेंट्राल कोई पैसा आखिरतार करेंगे एदावदु ओरु तोलिल मेर्कोल्वोम जो बाप दादा का एदु वंदु अम्मा अप्पा ताता उडैय कले तिरमयाग इरुंददो वही उनसे पाया अदये नांगल अवरेडमिरुंदु पेट्रोम बातों के सिलसिले में अदावदु पेच्चिन तोडर्चियल लेखिकाने पूछा एलुत्तालर अवंग वंदु केकरांग आपसे आपने आपने को नींगल उंगलये खानदानी नानबाई होने का अदावदु वंसावलियाग रोटी तयारिक्ककूडियवर्गल एंड्रु जिक्र किया कुरिपिट्टिरुक्किरीर्गल क्या यहांग एन्ना इंगु और बी मेलुम नान भाई है रोटी तयारिप्पवर्गल इरुक्किरार्गला मियांग ने घूर्कर देखा मियान वंदु कूर्ंदु पार्तल अल्लदु सिनम कोंडु सोन्नार बहुतेरे निरय पेर पर आनाल खानदानी नही वंशावलियाग परंपरे परंपरेयाग अल्ल
சுனியே ஏக் பாத், ஒரு விஷயத்தை கேளுங்கள். திமாக் மே, எங்களுடைய மனசு மூளையில் சக்கர் காட்டு கயி அப்படின்னா மூளையில் வந்து இது சுற்றி சுற்றி வந்தது. ஹமாரே புஜர்கோங்சே, எங்களுடைய முன்னோர்களிடமிருந்து. பாதுஷாக் சலாமத்னே, சக்கரவர்த்தி சலாமத்து யூங் ககா இவ்வாறு சொன்னார். மியாங், நான் பாயி கோயி நயி சீஜ், ஏதாவது ஒரு புதிய பொருளை கிலா சக்தே ஹோத்தோ உண்ண செய்ய முடிந்தால். ஆகுசே நா பக்கே, நெருப்பால் வந்து சமைக்கக்கூடாது. நா பானிசே பனே, தண்ணீரால் உண்டாக்கியது அல்ல. லெக்கிகானே பூச்சாம், லெக்கிகா எழுத்தாளர் வந்து கேட்டார், கியா உன்சே ஐசி சீஜ் பனி, அதனால் நீ வந்து இப்படிப்பட்ட பொருளை செய்தாயா? கியோ நகி பந்தி சாஹிப், கியோ நகி பந்தி, ஏன் வந்து செய்ய முடியாது? சாஹிப்னா மேடம், அவங்க அந்த மாதிரி குறிக்கிறது. பனி செய்தேன், அவர் பாத்ஷாஹ் சலாமத்னே, அரசர் சலாமத் கூப் காயி, நன்றாக சாப்பிட்டார் அவர். மேலும் கூப் சராகி, நன்றாக புகழ்ந்தார். ஃபிர் பரம்பர் சே, பரம்பரார் சே, பரம்பரை பரம்பரையாக வகி தந்தா, அதே தொழிலை கர்த்தே ஆ ரஹேகம், செய்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோம். பஸ் போதும். ஆப் இத்தினா சமஜ் லீஜியே, நீங்கள் இவ்வளவு புரிந்து கொள்ளுங்கள். கி எ ககாவத்ஹனா, ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அல்லவா, காந்தானி நானா பாயி குயேங் மேபி ரோட்டி பகா சக்தாகே, அதாவது வம்சாவளியாக வரக்கூடிய ரொட்டி தயாரிப்பவர்கள் வந்து குயேங் மேபி ரோட்டி பகா சக்தாகே, கிணற்றிலும் கூட ரொட்டியை தயாரிக்க முடியும். ஜியாதாத்தர் பட்டி பர், அதாவது பெரும்பாலும் உலையில் கோன்சி, எப்படிப்பட்ட ரொட்டியாங், ரொட்டிகள் பக்கா சக்திகை சமைக்க முடியும், உண்டாக்க முடியும். லெக்கிகானே பூச்சா, எழுத்தாளர் கேட்டார். ஹம்தோ, நாங்கள் அநேக் பிரகார்கி, பல வகையான ரொட்டியாங் பனாத்தேகை, ரொட்டிகள் தயாரிக்கிறோம். உண்மையும் அதில் துணக்கி பாப்படே சேபி, துணக்கி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொட்டியோட பேர், பாப்படே சேபி அதாவது அந்த அப்பளத்தை விடவும் ஜியாதா மஹினா ஹோத்திகை, மிகவும் மெலிசாக இருக்கிறது. ஃபிர் மியாங்னே புராணி யாதோங்கோ, பிறகு மியான் பழைய யாதோங்கோ நினைவுகளை, தாஜா கர்ணேக்கே விசார்மி, அதாவது தாஜான ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெக்ஸ் ஆக்குவதற்கான சிந்தனையில். ககா சொன்னார், வே ஜமானே உதர்கையே, அந்த காலம் வந்து போய்விட்டது. மியாங் அபிக்யா ரக்காக, இப்பொழுது என்ன வைத்திருக்கிறது? தந்தூர் சே ரோட்டி நிகால்கர், தந்தூரி மூலமாக நம்ம வந்து ரொட்டி தயாரித்து நிகழ்த்தேகை சாப்பிடுகிறோம். அவர் ஹசம் கர்க்கே, ஜீரணித்துவிட்டு சலே ஜாத்தேகை, சென்று விடுகிறோம். எஹி ஆஜ்கல் கி ஸ்திதி, இதுதான் இன்றைய நிலைமை. அடுத்த பாடம்.